गुड आफ्टरनून एवरीवन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले बिटुमिन कंटेंट टेस्ट के बारे में, क्या होता है ये। इसके पहले जितने भी आ गए हैं वो अपना अटेंडेंस लगा देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। गुड आफ्टरनून सईद लतीफ, चलिए आप आए हैं सबसे पहले। चलो आज पैनल तो ठीक हो गया हमारा। गुड आफ्टरनून मार्कंडे जी, क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक लिख दो जल्दी से। चलो, बाइंडर कंटेंट टेस्ट, ठीक है। कल का फेज डाउन, कल जो हमने फेज डायग्राम पढ़ा था, तो कितने लोगों को याद है फेज डायग्राम? फेज डायग्राम में हमारा क्या क्या था सबसे पहले? फेज डायग्राम में सबसे पहले था हमारा एयर वॉइड्स, ठीक है। क्या क्या था टाइप करते जाओ मेरे साथ। उसके बाद था हमारा बिटुमिन, इसके बाद था फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। इसके अलावा भी कुछ था क्या? इसके अलावा भी कुछ था क्या? चलो, आई थिंक यही चार पांच चीजें थी। अब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, ओके, बिटुमिन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नीरज मौर्या, गुड आफ्टरनून। चलो, तो ये था हमारा, कैसे कैसे डिनोट किए थे वो भी पता, और जिसको जिसने नहीं देखा है कल का सेशन वो जाकर देख सकता है। लाइव अभी है, 16 मार्च तक आपको लाइव मिलेगा, है ना, तो यूट्यूब में जाकर देख सकता है। तो इसमें एक चीज हमने देखा कि हमारा ये इतना जो मटेरियल था, ये इसका मिक्स बन के हमारा डीबीएम बनता है, डीबीएम बनता है, साथ ही साथ में इन्हीं सब मिक्स का हमारा मिलकर बनता है बीसी, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। अब जो हमारी दो कोर्सेस, बिटुमिनस की दो कोर्सेस होती है, क्या क्या रहती है? एक हमारी बीसी रहती है, एक हमारी डीबीएम रहती है। बीसी हमारी वेयरिंग कोर्स में आ जाती है, वेयरिंग कोर्स हो गया। डीबीएम हमारा सरफेस कोर्स या बेस कोर्स बोल लो, ठीक है, बेस कोर्स में आ जाती है हमारी बिटुमिनस लेयर में, ठीक है, बिटुमिनस लेयर में। अब ये जो टेस्ट हम पढ़ने वाले, ये दोनों के लिए ही काम आने वाला है। जो हम बाइंडर कंटेंट टेस्ट बात करेंगे, ये हमारा दोनों ही लेयर के लिए काम आएगा। और ये टेस्ट क्यों करते हैं, ये आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक जो हम मार्शल का दो लाइव में हमने मार्शल के बारे में पूरा पढ़ा, तो मार्शल में आप सभी को पता है हमने कोर बनाया था, एक मार्शल का कोर बनाया था हमने, ये सब मिक्सचर था, ये सब का मिक्सचर था उसमें, हमारा बाइंडर भी था उसमें, और ये सब का मिक्सचर बना के हमने कोर बनाया था सिलेंड्रिकल। अब वो कोर का भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप चेक करो कि जितना परसेंटेज आपने बिटुमिन डाला है इसमें, क्या ये इतना परसेंटेज आ रहा है टेस्ट करने से। अब इसको आप बोलेंगे, सर हमको तो पता ही है, हमने ही तो 6% 5% बिटुमिन डाला है इसमें, तो हम क्यों टेस्ट करें, है ना, हम क्यों टेस्ट करें इसको, हमको तो पता ही है। बट मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ, कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें हमारी तीन एंटिटीज रहती है। एक हमारा क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर एक सब कॉन्ट्रैक्टर रखता है, इसके बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्टर का एक कंसल्टेंट रहता है आपका, हो गया, क्लाइंट का एक कंसल्टेंट रहता है, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर का भी अपना एक कंसल्टेंट हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से काम होता है। अब इसमें जरूरत कहाँ पड़ी, अब कॉन्ट्रैक्टर ने एक रोड का टेंडर लिया कि भाई यहां से यहां तक का, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, इसको 100 किलोमीटर का रोड बनाना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसने टेंडर निकाला, इस कॉन्ट्रैक्टर, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो L&T हो या टाटा हो या कोई भी हो, उसने कॉन्ट्रैक्टर वो जीत गया। यहाँ पे इसको ये रोड बनाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 किलोमीटर का रोड बनाना है। अब क्या क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा कर सकते कि ये अच्छी क्वालिटी का रोड बनेगा? नहीं। क्या क्लाइंट अपने कंसल्टेंट पे भरोसा करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसने उसको हायर किया है आगे की उसकी जो हम रोड की क्वालिटी है उसको क्या कंडीशन में बन रहा है वो क्लाइंट को ऑनेस्टली बताए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करेगा कि अच्छे से अच्छा रोड बने। तो उसके कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो जितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियर्स हो गए, हमारे क्वालिटी इंजीनियर्स हो गए, तो सारे इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी, अगर ये गवर्नमेंट एंटिटी होगी, मान के चलो ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI है, ठीक है, क्लाइंट हमारा NHAI है मान के चलो, तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। तो क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मैंने IRC है, मेरे पास IRC है, MORTH है, IS कोड है, ये तीनों में ही स्पेसिफिकेशन दी हुई है। जैसी जैसी स्पेसिफिकेशन दी हुई है रोड की, उसको यूज करते हुए आप रोड बनाइए, अपने तरीके से आप रोड नहीं बना सकते। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलूं कि हमने अभी रिसेंटली एक टेस्ट किया था, फ्लैश एंड फायर पॉइंट का टेस्ट किया था, कल या परसों में हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट का एक टेस्ट किया था। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट के हमने पेंस्की अपैरेटस यूज किया था, ठीक है, पेंस्की अपैरेटस यूज किया था, बट ये हमारा हमारे IS कोड में पेंस्की मेथड दिया हुआ था, तो हमने उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट उससे किया। बट उसके और भी टेस्ट होते, क्या क्या टेस्ट होते हमारे, हमारा होता है उसका क्लीवलैंड अपैरेटस टेस्ट होता है, क्लीवलैंड अपैरेटस भी होता है, बट वो ASTM के अकॉर्डिंग होता है। तो क्या हम ASTM से हम उसको के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, हम तो IRC के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमको इंडियन स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो हमने वो किया, क्या कॉन्ट्रैक्टर वहां पे चूज कर सकता था कि मैं IRC से बाहर जाके दूसरा टेस्ट परफॉर्म करूं? नहीं कर सकता था। तो हमको ये क्वालिटी मेंटेन करनी है, और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें वो टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या उस टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रोड बन रहे हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं? तो वो टेस्ट में अगर आपको साइट पे टेस्ट करना है उस क्वालिटी के लिए, जैसे कि आप अगर आप क्वालिटी इंजीनियर बनने जा रहे हो, क्वालिटी एनालिस्ट बनने जा रहे हो, अगर हाईवे में आप कैरियर परस्यू कर रहे हो, तो आपको क्वालिटी टेस्ट साइट पे करना है। अब तक हम टेस्ट क्या क्या कर रहे थे, हमने लैब में टेस्ट किया, हमने लैब में टेस्ट किया, हमें फील्ड टेस्ट भी जानने, बहुत सारे लैब टेस्ट भी किए, इसका फील्ड टेस्ट भी होता है और लैब टेस्ट भी होता है, फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट दोनों होता है। अब इसमें फर्क जान लेते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो आप ऑन साइट, जहां पे आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे एज इट इज साइट पे खड़े होकर अगर आप जो टेस्ट कर लेते हैं, उसको आप फील्ड टेस्ट बोलने वाले हैं। वहीं अगर आपको उसके लिए डेडिकेटेड लैब की जरूरत है, तो वो टेस्ट हमारा लैब में होगा, ठीक है। अभी तक हमने मोस्टली दोनों ही कवर किए हैं, बट ज्यादातर हमने लैब टेस्ट देखे हैं, ठीक है। तो आज जो हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, इसको दोनों ही जगह परफॉर्म किया जाता है, बट मोस्टली जो हमारा बाइंडर कंटेंट निकालने के लिए, हम इसे फील्ड में टेस्ट करते हैं, ठीक है। फील्ड में भी बड़ी आसानी से इसका टेस्ट किया जा सकता है। अब इसको करने की जरूरत क्या पड़ी, अब मान के चलो आपने जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास हॉट मिक्स प्लांट नहीं है, तो अब वो बिटुमिन कहाँ से मंगाएगा? जैसे कि हम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग का, हमारे पास क्या घर की सीमेंट रहती है? क्या हम अपनी फैक्ट्री से लेके आते हैं? मैं अगर एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मैं क्या खुद की फैक्ट्री से सीमेंट बना कर लाऊंगा? नहीं, मैं जो कंपनी ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि हो सकता है अंबुजा का सीमेंट हो, अल्ट्राटेक का सीमेंट हो, इसको मैं ऑर्डर दूंगा कि भाई मुझे 500 बैग सीमेंट चाहिए, 500 बैग सीमेंट चाहिए, मेरे को सीमेंट प्रोवाइड कर दो,
ठीक इसी तरह बैग इसके इसी तरह एग्रीगेट, स्टील, सीमेंट, हर चीज के लिए एक एक सब कॉन्ट्रेक्टर रहते हैं जो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मान के चलो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने लैब में परफॉर्म किया टेस्ट, मैंने लैब में कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया, स्टेबिलिटी एंड फ्लो का टेस्ट मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, कौन सा, मार्शल, मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो का टेस्ट मैंने परफॉर्म किया। अब मेरे को क्या पता चला कि भाई मेरा जो एग्जैक्ट बिटुमिन का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, मेरे को पता चला मेरे कोर के अकॉर्डिंग कि मुझे ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट लगेगा 5.5%। यही निकाले थे क्या कल हमने, 5.5% निकाले थे क्या, जल्दी बता दो, चलो जल्दी बता दो। ठीक है, 5.5% निकाले थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा, सब कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे डीबीएम और बीसी प्रोवाइड करने वाला है, जो ये सब कॉन्ट्रैक्टर, उसको मैं बोलूंगा कि मुझे 5.5% का बिटुमिन कंटेंट के साथ आप प्रोवाइड करो बीसी, और डीबीएम का जो भी परसेंटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को आप प्रोवाइड करो करके। ये बोलेगा ठीक है सब बढ़िया है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसने आपको रिक्वायरमेंट है 5 हाइवा की रिक्वायरमेंट है आज के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसने भेज दिया मॉर्निंग में बढ़िया बिटुमिन, जैसे कि हमने आईआरसी में पढ़ा था कि बिटुमिन का लेइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिक्सिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके बाद में रोलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब भी आप कहाँ टेस्ट करते हो, फील्ड में टेस्ट करते हो। बट अब आपके फील्ड में जो ये लैब रिपोर्ट तो लेकर आएगा, ये लैब रिपोर्ट तो लेके आएगा, अपनी हॉट मिक्स प्लांट का लैब रिपोर्ट लेकर आएगा जिसमें सारे स्पेसिफिकेशन दिए होंगे, बट आपको चेक करना है कि क्या वो सही है। अगर आपको एक ऐसा चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, मेरा जो बीसी का मिक्सचर आया है वो कितना है, उसमें बिटुमिन कंटेंट कितना है, बाइंडर कंटेंट कितना है, ये आप कैसे चेक करोगे, ऑन साइट चेक करना है। तो आप क्या करोगे, बाइंडर एक्सट्रैक्शन टेस्ट या बाइंडर कंटेंट टेस्ट परफॉर्म करोगे, बहुत सिंपल टेस्ट है इसलिए इसे साइट पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो जानते हैं कि ये होता क्या है और 3D मॉडल की मदद से समझेंगे। उसके पहले जान लेते कि कौन सा हमारा आईआरसी हम इसमें यूज करने वाले हैं, कौन सा आईआरसी यूज करने वाले हम, आईआरसी SP11, आईआरसी SP11 हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, आईआरसी SP11 में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, बट आपको अपेंडिक्स 5 में जाना है। अपेंडिक्स 5 में जाने के बाद में आपको फील्ड टेस्ट पता चलेगा कि कैसा है और क्या क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा फील्ड टेस्ट रहने वाला है आईआरसी के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया हमारा हैंडबुक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रनवेज, ये पढ़ लो यार, ये मैं बता रहा हूं। उस दिन किसी ने मुझसे पूछा था कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईआरसीज होते हैं, आईएस कोड होते हैं, वो मुझे बता दो। तो लाइव सेशंस में मैं जितने आईआरसीज आपको बता रहा हूँ वो तो पढ़ो, है ना, पढ़ो भी मतलब ऐसे कि पलट के देख लो यार, पलट के देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा जो रेगुलर बेसिस पे यूज होता है उसको आप पलट के देख लो, है ना, एक बार ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, कितने लोगों, मैंने बताया था कि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे कि इंपॉर्टेंट आईआरसीज कौन से होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, कितने लोगों ने देखा वो वीडियो बता दो मुझे। ठीक है, ये है हमारा आईआरसी SP11 1984, देख सकते हो यहाँ पे, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। तो चलो देखते हैं कि हमें कहाँ जाकर ये मिलने वाला है जो हमें चाहिए। तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए।
ये देखिए अपेंडिक्स 4 तक आ गए, हमें और नीचे जाना है अभी, अपेंडिक्स 5 में जाना है हमें। देखो ये आ गया हमारा अपेंडिक्स 5। 5 में आपको ये टेस्ट का प्रोसीजर मिलेगा, पेज नंबर नोट कर लो 125। चलो जूम करूं कि क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? जूम करूं? क्लियरली पढ़ पा रहे हो इसमें क्या लिखा है? यस और नो? और जूम तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना ही जूम पॉसिबल है। चलो ठीक है, तो मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बाइंडर कंटेंट फॉर पेविंग मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज की मदद से हमें बाइंडर कंटेंट निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे थे, टेस्ट इज इंटेंडेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ बाइंडर कंटेंट इन द मिक्स बाय कोल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मतलब कोल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से हम पता करने वाले कि बाइंडर कंटेंट कितना है हमारे मिक्स में। द मिनरल मैटर रिकवर्ड फ्रॉम द टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट इन द मिक्स। तो समझे, आपने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, फर्स्ट स्टेज में ये कह रहा है कि आप इसका एक तो पहले जब कोल्ड सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप उसका बाइंडर कंटेंट पता चल जाएगा, आपको बाइंडर कंटेंट पता चल जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि उसके जब आपका बाइंडर निकल जाए पूरे एग्रीगेट से, तो सेकेंड स्टेज में जो एग्रीगेट बचा है, जो एग्रीगेट बचा है उसका आप ग्रेडेशन टेस्ट कर लो ताकि आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल आया है कि नहीं। तो एक साथ आप दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो एक ही सैंपल से, ठीक है? क्लियर है यहां तक? मिनट, पैनल का दिक्कत खत्म नहीं हुआ है कल से। छोड़ो इसको छोड़ो, पहले देखते हैं अपैरेटस हमारा क्या क्या यूज होने वाला है, इसके बाद प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर हम आईआरसी में एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद में हम 3D मॉडल से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है, ठीक है? अपैरेटस सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि उसमें लिखा था डिटरमिनेशन यूजिंग कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड में हमें एक लिक्विड डालना पड़ेगा, वो लिक्विड है हमारा बेंजीन, ठीक है? ये याद रख लो, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कौन सा लिक्विड यूज होता है, तो बेंजीन यूज होता है। क्यों बेंजीन यूज होता है? क्योंकि बेंजीन में हमारा जो बिटुमिन है, बिटुमिन हमारा पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है ये आप सभी को पता है। तो बेंजीन में वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है हमारा बिटुमिन। तो घुलने की वजह से हम पूरा बिटुमिन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमारा जो बेस एग्रीगेट बचेगा वो हम बहुत इजिली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन, बेंजीन ध्यान रखो।
बेंजीन के बाद में जो आपके साइट पे सैंपल आया है, जो साइट पे सैंपल आया है वो लगेगा आपको मिक्स सैंपल, ठीक है। एक आपको फिल्टर पेपर लगने वाला है, फिल्टर पेपर जिसका डाया रहेगा हमारा 12 इंच या फिर 1 फीट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में लास्ट में जो हमारा पैरेटस जो हम यूज करते हैं वो है ये बाइंडर एक्सट्रैक्शन अपैरेटस, जिसे कहते हैं बिटुमिन एक्सट्रैक्शन अपैरेटस, ये है हमारा। अब इसके भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है कि यहाँ पे एक हमारा सेंट्रीफ्यूज बना हुआ है जो रोटेट होता है। इसके बाद में इसके अंदर आपका एक सक्शन बोल भी रहेगा, सक्शन बोल के साथ में यहाँ पे आपका हैंड लीवर भी है जिससे आप रोटेट कर सकते हो मैनुअली, क्योंकि मैनुअल मशीन है, क्योंकि ऑन साइट आपको टेस्ट करना है तो आप मैनुअल मशीन यूज करेंगे इसको रोटेट करने के लिए। बट अगर आप इसको वही लैब में यूज कर रहे होते तो इसमें मोटर कनेक्टेड रहता है जिससे ये ऑटोमेटिक रोटेट करके सेंट्रीफ्यूज की मदद से आपका एक्सट्रैक्शन कर देता, ठीक है। तो यही सारे हमारे बेसिक अपैरेटस यूज होने वाले हैं। चलिए तो इसके बाद में इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। चलो चलो हो गया, अब इसको छेड़ेंगे नहीं, गलती से ठीक हो गया ये। चलो तो जो मेन टॉपिक्स है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्या कह रहा है हमें यहाँ पे ये आईआरसी, यहाँ पे बोल रहा है एक सैंपल साइज लेना है आपको 500 ग्राम, जो हमने मिक्स लिया था मिक्स का आपको 500 ग्राम एक सैंपल लेना है वेट करके, ठीक है, वे कर लिया 500 ग्राम, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और उसके बाद में एक बोल में डालना है आपको एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसके बाद में कमर्शियल ग्रेड बेंजीन आपको उसमें पुट करना है, कमर्शियल ग्रेड बेंजीन आपको जो सॉल्वेंट है हमारा वो पुट करना है, और 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है, या 1 घंटे से ज्यादा हमें नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है ताकि उसमें जो हमारा बिटुमिन है वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। बट ऑन साइट जनरली ये देखा जाता है कि 5 से 10 मिनट भी छोड़ दिया जाता है और उसको एजिटेट कर दिया जाता है। एजिटेट का मतलब क्या है, उसको अगर आप स्पैचुला की मदद से किसी चीज की मदद से अगर हिलाते रहेंगे लगातार तो वो जल्दी डिसॉल्व होने लगता है, तो वैसा भी किया जा सकता है। इसके बाद में जो हमारा एक्सट्रैक्टर रहेगा, एक्सट्रैक्टर में हमें उसे पुट करना है, पुट करने के बाद में हमें फिल्टर पेपर लगानी या फिल्टर रिंग कहते हैं जिसे, क्यों लगा रहे हैं। अब फिल्टर पेपर का क्या पर्पस है, फिल्टर पेपर का ये पर्पस है कि जो हमने मिक्स लिया है जब ये सेंट्रीफ्यूज में घूमेगा बहुत हाई आरपीएम में, कितने आरपीएम में, 3000 रोटेशंस पर मिनट में ये रोटेट होने वाला है, 3000 रोटेशंस पर मिनट में एटलीस्ट ये रोटेट होने वाला है। तो हो सकता है जो हमारे फाइनर मटेरियल है जैसे कि फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल जो कि पाउडर फॉर्म में या बहुत बारीक एग्रीगेट होते हैं उड़ सकता है या इधर उधर जा सकता है, जो जिससे कि हमारे वेट में डिफरेंस पता चलेगा, साथ ही साथ में हमारा जो बाइंडर जो बिटुमिन का परसेंटेज है उसमें भी फर्क पड़ सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमें, एक फिल्टर पेपर हमें लगाना है ताकि जो वेट आ रहा है उसका वो एज इट इज है, किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन ना हो। ये देखिए और मैक्सिमम 3600 आरपीएम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में ये प्रोसीजर जब हो जाएगा, एक बार रोटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें क्या करना है आपको बेंजीन फिर से डालना है ताकि अगर कोई भी बिटुमिन अगर
बचा होगा तो वो भी डिजोल्व होकर बेंजीन के साथ बाहर निकल जाए। सिंपल सा प्रोसेस है, 3D मॉडल की मदद से समझते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें भी हैं इसमें सिंपल सी। द फिल्टर रिंग फ्रॉम द बोल इज रिमूव ड्राइड इन एयर एंड देन इन ओवन, मतलब कि फिल्टर पेपर में भी बेंजीन हमारा जा सकता है, बेंजीन जो ऑयल के फॉर्म में हमारा वो उसमें भी सोख हो सकता है, तो उसको पहले एयर में हमें ड्राई करना है, उसके बाद अवन में भी डालकर उसे ड्राई करना है 115 डिग्री सेल्सियस के करीब में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा, और बिफोर एंड आफ्टर वेट हमें दोनों का नोट करना है। ठीक है, चलो 3D मॉडल से समझते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे सैंपल क्या ले रहे हैं, क्यों क्यों मैंने यहाँ पे बिटुमिन मार्शल का कोर लिया है, इसलिए मैं मार्शल का कोर ले रहा हूं क्योंकि अभी तक हम मार्शल टेस्ट करते आ रहे हैं, उसमें हमने कोर यूज किया, उसमें हमने एक मिक्स डिजाइन किया था, तो मिक्स में ये हमारे पास प्री पहले से बना हुआ है, तो अब हम यहाँ पे कोर यूज करेंगे। उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक सैंपल कोर है, उसका वजन नहीं लेना है हमको। ठीक है, मैं अपैरेटस बता रहा हूँ आपको, एक कोर हमने सैंपल ले लिया, एक वेइंग मशीन हमको लगेगा, एक फिल्टर पेपर लगेगा हमको, और एक हमारा बेंजीन लगेगा, बस इतने ही मेन मेन अपैरेटस आपको लगने वाले। इसके बाद में अब हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि स्टेप वन में हमें क्या करना है। तो स्टेप वन में जो हमने जो भी मटेरियल हमने लिया है, अगर ऑन साइट अगर आप कर रहे हैं, ऑन साइट अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपका हाइवा में ऑलरेडी मिक्स आया हुआ है तो वो ऑलरेडी 150 से 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर ऑलरेडी होगा, तो उसको आपको हीट करने की जरूरत नहीं। ये हम लैब में कर रहे हैं, हमारा जो मार्शल कोर था वो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, हार्ड हो चुका है, इसलिए उसको गर्म करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम उसको अवन में डाल रहे हैं। बट जब आप ऑन साइट करेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें से सैंपल ले सकते हैं, वे करके फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो लिख दो जल्दी से। चलो वेट कर रहा हूं मैं, क्लियर है क्या? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अभी तक में पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे प्रोसीजर में चलेंगे। बता रहा हूं हाउ मच डिग्री इन ओवन, बता रहा हूं। तो इसको हम अवन में डालेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, या 70 में भी डाल दो, है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या, इसके जो पीसेस है, एग्रीगेट है, उसको अलग अलग करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमने 10 मिनट के लिए डाल दिया। 10 मिनट डालने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में आपको उसको एक स्पैचुला की मदद से, एक रॉड की मदद से, या किसी तरह के नाइफ की मदद से उसको तोड़ देना है, अलग अलग कर देना है, कुछ इस तरीके से आपका सैंपल वापस वैसा हो जाएगा। हमने मोल्ड में डालकर एक शेप कर दिया था, अब उसको अलग अलग कर देंगे हम कोर में, कोर को पूरा अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ये मेन हमारा स्टेप वन स्टेप टू रहने वाला है। ऑन साइट में आपको स्टेप वन स्टेप टू करने की जरूरत नहीं, जब आप लैब में करेंगे तो शायद आपको स्टेप वन स्टेप टू करने की जरूरत पड़े। ठीक है, ये है हमारा अपैरेटस। ठीक है, बाइंडर एक्सट्रैक्शन अपैरेटस, इसके अंदर कुछ इस तरीके का कोनिकल शेप बना रहता है। इसके अलावा एक हमारा ड्रेन पाइप रहता है जिसकी मदद से हमारा बेंजीन बाहर निकल के आता है, और यहाँ पे एक होल रहेगा आपका जिससे आपका बेंजीन एक्सट्रैक्ट होगा। और ये जो है हमारा, ये जो अपैरेटस है कोन शेप का आपको दिख रहा है जिसमें हमने बिटुमिन भी डाला हुआ है, तो इसका नाम है सक्शन बोल, इसको बोलते हैं सक्शन बोल। ठीक है, सक्शन का मतलब है ये सक्शन क्रिएट करता है, इसके अंदर का बेंजीन हमें बाहर एक्सट्रैक्ट करता है। तो बस इतना ही है। स्टेप वन में क्या करना है, आपको वेइंग मशीन में सक्शन बोल को इसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आप उसको जीरो कर दो, आप उसकी रीडिंग को जीरो कर दो, वेइंग मशीन की रीडिंग को जीरो कर दो, और उसमें डालो आप 500 ग्राम ऑफ सैंपल। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कि हमने मार्शल का जब हमने मोल्ड बनाया था, कोर बनाया था, तो हमने कितने ग्राम का सैंपल हमने यूज किया था, कितने ग्राम का सैंपल यूज किया था, जल्दी बता दो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बता दो।
अगर वो याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पास। 500 ग्राम कहाँ लिया था सईद लतीफ? 500 ग्राम नहीं लिया था हमने, ईद सैंपल हमने आई थिंक 1250 के आसपास का हमने सैंपल लिया था, 1250 ग्राम। 500 ग्राम बोल रहे हो यार? नहीं, 500 ग्राम नहीं लिया था हमने। ठीक है, फिर से जाके देखना लाइव। चलो जो भी सैंपल लिया था छोड़ दो, मैटर नहीं करता, जो भी लिया था मान के चलो कि 1500 ग्राम का लिया सैंपल, ठीक है। हमको इसमें पुट करना है सिर्फ 500 ग्राम इसमें से। जब आप कोर तोड़ोगे और उसका टोटल वजन 500 ग्राम रहेगा, बट हमें पुट करना है उसमें से सिर्फ 500 ग्राम, किसमें? सक्शन बोल में, ठीक है। चलो यहां पे आपने पुट कर दिया, वे वजन करते हुए आपने 500 ग्राम का सैंपल इसमें डाल दिया। अब इसमें आपको पुट करना है बेंजीन। ये रहा हमारा बेंजीन, बेंजीन जो हमारा सॉल्वेंट था, बेंजीन जो हमारा सॉल्वेंट था वो हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब कितना बेंजीन हमें पुट करना है? हमें इतना बेंजीन पुट करना है कि जो हमारा जितना मिक्स है वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाए उसमें, मतलब कि डूब जाए। इसके बाद में ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है, अगर आपको प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है, बेंजीन डालते ही मिक्सचर में आप इसको एजिटेट कर दो, ठीक है। एजिटेट का मतलब क्या होता है? अगर आपका मिक्सचर है उसको मैं थोड़ा सा चला दूं किसी से, किसी स्पैचुला से, किसी भी तरह की चीज से, अगर मैं उसको थोड़ा सा हिला दूं, जैसे मेरे पास अगर चाकू है, नाइफ है, उसे अगर मैं थोड़ा सा हिला दूं तो क्या होगा? मेरा जल्दी जल्दी इसमें डिजोल्व होने लगेगा, क्या? बिटुमिन, बेंजीन में। तो वो कर सकते हैं, तो वो किया हमने। इसके बाद में हम ऊपर का लीड लगा देंगे, फिल्टर पेपर लगा देंगे, लीड लगा देंगे और उसको पूरी तरीके से हम पैक कर देंगे, ठीक है। चलो फिल्टर पेपर भी हमने लगा दिया, पैक कर दिया। अब आईआरसी कहते हैं कि आपको एक एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आपको छोड़ना है इसको, ताकि पूरी तरीके से ये डिसॉल्व हो जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा ये डिसॉल्व हो रहा है? तो बेंजीन का जो कलर रहता है, जो हमारा सॉल्वेंट का कलर है, वो क्लियर रहता है। क्लियर होने की वजह से जैसे इसमें बिटुमिन डिसॉल्व होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे हमारा बिटुमिन डिसॉल्व हो रहा है। चलो अभी क्लियर होगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि हमने डाला, ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मोटर कनेक्टेड है, तो मैं जैसे इसको ऑन करूंगा तो ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। रोटेट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है। यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स वर्क कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि जैसे अगर ये है और यहाँ पे मेरा मोटर लगा है और ये रोटेट हो रहा है, बहुत तेज स्पीड में रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो भी मेरा मटेरियल है इसके अंदर, ये बाहर की तरफ फेंकाएगा, ये बाहर की तरफ फेंकाने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? बाहर की तरफ जाएगा ये। तो ये हो गया मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जितना भी हमारा बेंजीन है, जितना भी हमारा मटेरियल अंदर हमने पुट किया है, वो इसमें बाहर की तरफ जाने लगेगा। बाहर की तरफ जाते जाते यहाँ पे हमारा एक होल रहेगा, यहाँ पे आप जो पाइप देख पा रहे, जो होल रहेगा इसकी मदद से जो बेंजीन है हमारा लिक्विड, वो बाहर आने लगेगा, जिसमें हमारा ऑलरेडी बिटुमिन घुल चुका है, ठीक है। ये हो गया स्टेप।
ये हमारा एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर से स्टेप को रिपीट करना है, मतलब कि फिर से आप इसका ढक्कन खोलोगे, इसमें वापस से आप बेंजीन डालोगे, उसके बाद में थोड़ा सा एजिटेट और कर दो, उसके बाद में अगर आप एजिटेट कर रहे हो तो अगर आपको ब्लैकिश कलर देखने को मिल रहा है, वापस से अगर आपका सॉल्वेंट ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें अभी भी कुछ परसेंटेज बिटुमिन बचा था, हमें उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो फिर से हम मशीन चालू करेंगे और उसके साथ में फिर से वो हमारा क्लियर होकर यहाँ से बेंजीन बाहर आ जाएगा बिटुमिन डिसॉल्व होने के बाद। अब क्या थर्ड टाइम भी करेंगे? क्या हमें थर्ड टाइम करने की जरूरत है? कि कैसे पता करोगे? एक गैस लगाओ कि कैसे हम पता करेंगे कि थर्ड टाइम भी हमें करने की जरूरत है, क्या थर्ड टाइम भी हमें वॉश करने की जरूरत है बेंजीन से? सोचो सोचो थोड़ा। मैंने एक पॉइंट बोली, उसी से रिलेटेड आपको समझ आ जाएगा कि थर्ड टाइम करने की जरूरत है कि नहीं। सईद लतीफ सोचो यार, मैंने क्या बोला था कि जब आप उसको, एक तो दो तरीके विजुअली चेक करने का, कि आप विजुअली चेक करो कि आपके एग्रीगेट में क्या कहीं पे भी बिटुमिन दिख रहा है, क्या लगा हुआ अभी भी चिपका हुआ, नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, अगर आप उसमें बेंजीन पुट कर रहे हो और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जा रहा है ब्लैक में, मतलब कि अगर बिटुमिन डिसॉल्व होगा बेंजीन में तभी उसका कलर चेंज होगा, तो इस दो तरीके से आप पता कर सकते हो कि क्या इसमें अभी भी और बिटुमिन बचा है क्या। क्लियर सॉल्वेंट आने लगे तब नहीं जरूरत है। एकदम सही बोला यार आपने, एकदम सही बोला अरशद हुसैन जी, एकदम सही बोला आपने। जैसे हमारा क्लियर सॉल्यूशन आ गया, हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे कुछ चीजें जो हमने नहीं ध्यान दी, कुछ चीजें जो हमको पहले करनी चाहिए थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको वजन लेना था किसका, फिल्टर पेपर का आप वेट लेते, इसका वेट लेते, कुछ आता वेट 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, उसको नोट कर लेते। इसके बाद में आपको एक तो हमारा जो मिक्स था, मिक्स हमने कितना सैंपल लिया था, 500 ग्राम का हमने सैंपल लिया था, ये हमारा एक वेट हो गया। अब इसके बाद में हमें एक और वेट लगेगा, जब हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ, एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, उसके बाद का हमें वेट लगेगा एक, और एक क्या वेट लग सकता है हमारा, एक और क्या वेट लग सकता है, एक वेट हमारा लग सकता है कि इस फिल्टर पेपर में किसी न किसी प्रकार का छोटा फाइन मटेरियल आ गया होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसे एक बार और हम वजन करेंगे फिल्टर पेपर का आफ्टर एक्सट्रैक्शन एक बार और करेंगे। इसका अगर यहाँ पे 5 ग्राम आया है, इसका वजन तो हो सकता है इसका 5.5 ग्राम आया हो, ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे वेट हमको लेने हैं और इसके बाद में इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला देख लेते, मेरे पास सारी वैल्यूज है, फॉर्मूला देख लेते हैं। दिख रहेगा यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला, W1 - W2 + W3 + W4 / W1। अब इसमें क्या क्या है हमारा, W1 क्या है हमारा, वेट ऑफ द सैंपल कितना था हमारा, 500 ग्राम, ठीक है, टोटल वेट था। वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमारा सैंपल कितना आया, तो हो सकता है ये आ गया आपका 4
85 ग्राम हो गया सैंपल मेरा, ठीक है। W3 क्या है, वेट ऑफ द फाइन मटेरियल रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब क्या किसी तरह का फाइन मटेरियल मेरा बेंजीन के साथ या किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन में निकल गया होगा, तो उसका भी वजन ले लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि मेरे में किसी भी तरह का, थ्योरी है हमारा, थ्योरी की बात हो रही है, किसी भी तरह का फाइन मटेरियल नहीं निकला है, तो मैं बोलूंगा कि जो फाइनल वेट है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है मेरा 485 ग्राम में, ठीक है। और W4 क्या है, इंक्रीज इन वेट ऑफ फिल्टर रिंग, जो हमने फिल्टर पेपर यूज किया था उसके वेट में कितना डिफरेंस आया है, तो चलो एक बार देख लेते। W1, W2 प्लस W3 अपॉन W1 प्लस W4 प्लस W4, यही फॉर्मूला था हमारा। मेरे साथ बताते जाओ, W1 क्या था हमारा, कितना था हमारा W1, W1 कितना था, कितना लिया था हमने, 500 ग्राम लिया था हमने W1। W1 क्या है हमारा, जो सैंपल साइज था वो। W2 कितना आ रहा है, परसेंट में निकालना है ना हमको, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे इसको, तो परसेंट में आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा तो किसी भी तरह का अलग से W3 नहीं आया है, मेरा एकदम क्लियर सॉल्वेंट आया था, किसी भी तरह का फाइन मटेरियल नहीं निकला है, तो क्यों ना मैं इसको 100% ले लूं, जितना भी मेरा आफ्टर एक्सट्रैक्शन मैंने वेट किया तो मेरा आया 485 ग्राम जो भी आया था। और W4 क्या है मेरा, पॉइंट डिफरेंस। मैंने बोला था अगर फिल्टर पेपर मेरा 5 ग्राम था पहले जब मैंने ड्राई में उसको वजन किया था तो 5 ग्राम था, उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद मैंने वजन किया तो ये हो सकता है मेरा 5.5 ग्राम आया हो, मतलब 0.5 ग्राम की डिफरेंस आ गया हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा यहाँ पे, मैं W4 में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा बताओ मेरे को, W4 में कितना लिखूंगा, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इंक्रीज इन वेट ऑफ द फिल्टर रिंग, ठीक है, पढ़ लो और उसके बाद मेरे को बता दो कि कितना मेरे को लिखना है, कितना नंबर मैं लिखूं वहां पे, क्या वैल्यू लिखूं यहाँ पे। मैंने आपको बताया, सईद लतीफ बोल रहे 5.5 ग्राम, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे फिर गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वो गलत हो जाता है, आप 5.5 ग्राम नहीं लिखोगे। वो आपको कह रहे कि डिफरेंस कितना था, पहले हमने वजन किया था 5 ग्राम था, फिर वजन किया था 5.5 ग्राम था, कितना डिफरेंस आया मेरा, कितने का डिफरेंस है, कितना मेरा वजन बढ़ा 0.5 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंस 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई W1 जो कि हमारा टोटल वेट था 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरा परसेंट आ जाएगा। देखो कितना परसेंट आ रहा है, इससे हमारी बिटुमिन का परसेंटेज पता चल जाएगा, बिटुमिन कंटेंट का। चलो देखो, एक मिनट ना, यहाँ पे माइनस आएगा, थ्री पॉइंट वन परसेंट। W2 वेट, W2 का वेट मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पास, ये देखो W2 को, W2 और W3 जो था उसको मैंने आपको बताया ना, हमने एक साथ ले लिया है कि मैं ऐसा लेकर चल रहा हूं कि मेरे में किसी भी तरह का फाइनर मटेरियल अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा मुझे, सब मेरा एक ही सैंपल, मतलब जो मेरा सक्शन बोल था उसके अंदर ही था, कुछ उससे बाहर नहीं निकला, तो मैं उसको एक ही कंसिडर कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे अगर मैं W
प्लस डब्ल्यू थ्री अगर किए रहता उसकी जगह मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जितना भी सैंपल आया डब्ल्यू थ्री जितना सैंपल आया वो यही था, ठीक है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वो नहीं था। डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री करने की जगह मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 485 कंप्लीट आया था, ठीक है। तो 3.1% आ रही क्या? ठीक है, तो यहां से आपका ओके, तो यहां से हमें पता चल गया हमारा जो साइट पे हमारा जो बिटुमिन मिक्स आया है उसमें कितना मेरा कंटेंट रहने वाला है, कितना बिटुमिन कंटेंट है, कितना हमने ऑर्डर दिया था, क्या मैंने अगर मान के चलो मैंने 3.1% का ऑर्डर दिया था, क्या 3.1% आया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या मैंने 3.8% का ऑर्डर दिया था और आया मेरा 3.1%, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये साइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। चलो क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है, यस यस बोल रहे हैं, चलो ठीक है, चलो तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का सेशन में बता देता हूं आपको, कोशिश करेंगे कि सीबीआर खत्म कर दें हम लोग। सीबीआर क्या होता है, सीबीआर क्या होता है, सीबीआर टेस्ट, सीबीआर क्या होता है, कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीबीआर, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, एकदम सही बोला आपने, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कल हम जानेंगे, ठीक है। चलो कल के सेशन फिर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम लोग बात करने वाले सीबीआर के बारे में, ठीक है। चलो एंड करें अभी का सेशन, सेशन यही एंड करते, जाते जाते आप मेरे साथ सिविल गुरु जी का स्लोगन बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, आप चैट पे बोलेंगे, ठीक है। चलो पहले ही बोल दिए आप सईद लतीफ, मैं तो बोला भी नहीं अभी, चलो ठीक है, तो आज का हमारा सेशन हम यही एंड करते हैं, जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ, मिलते हैं कल एक और नए टेस्ट के साथ, अंटिल देन थैंक यू सो मच।